हेलो नमस्कार दोस्तों, 13 मार्च 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे आप द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जो आज के सबसे पहली बात तो ये आती है कि कौन कौन सा आर्टिकल हमें देखना है, उसके अंदर हम एक बार नज़र डाल लेते हैं ताकि जो भी आर्टिकल हो हम यहाँ पे कंप्लीट कर लें। तो सबसे पहले आर्टिकल यहाँ पे जो आएगा वो आया है इंडिया और फ्रांस के रिलेशन के बारे में। तो इस आर्टिकल के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम यहाँ पे ये जो आर्टिकल है मेनली इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया, केवल पॉलिटिक्स डिस्कस की है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो नहीं होती है त्रिपुरा के इलेक्शन वगैरह के बारे में। फिर यहाँ चलते हैं नीचे। नीचे ये वाला जो आर्टिकल है ई वे बिल के बारे में है कि गवर्नमेंट है वो 1 अप्रैल 2018 से ई वे बिल है वो इंप्लीमेंट कर रही है जीएसटी के द्वारा। तो आर्टिकल ये कह रहा है कि भाई जिसके गवर्नमेंट ने काफ़ी हड़बड़ाहट में लास्ट ईयर जुलाई के अंदर जीएसटी इंप्लीमेंट किया था तो उसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी, तो इसीलिए इस बार गवर्नमेंट थोड़ा डिले करके आराम से इसको इंप्लीमेंट करिए ई वे बिल में। देखो ई वे बिल में आपको एक बार थोड़ा रिवाइज कराता हूँ कि क्या प्रावधान है। ई वे बिल में मेनली ये प्रावधान किया गया है कि भाई जो भी अगर एक जगह से सामान दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है किसी व्यापारी वगैरह को, तो उसके लिए ई वे बिल जनरेट करना होगा। मतलब मिनिमम उसमें लिमिट रखी गई है कि कोई भी व्यापारी अगर 50,000 रुपये का सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा है, चाहे इंटरेस्ट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर रहा हो या फिर एक स्टेट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसफर कर रहा हो, तो उसको ई वे बिल जनरेट करना होगा ताकि कोई भी जो इलीगल काम है वो ना हो सके। तो उस सब के लिए ई वे बिल की जो प्रावधान है वो किए गए, तो भी 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होगा, क्या क्या चैलेंजेस हैं वो आएंगे, तो इसके बारे में डिस्कस किया। इसके साथ ये जो यहाँ आर्टिकल है इसमें एजुकेशन के बारे में डिस्कस किया गया कि किस तरीके से हमारे देश में जो प्राइवेट स्कूल है वो अपनी फीस और मनमर्जी से बढ़ा रहे हैं, तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ये जो आर्टिकल है ये मेनली इसमें बताया गया है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया जिसमें कि जो चिल्ड्रंस के साथ रेप किया जाएगा उसमें मृत्युदंड का प्रावधान है वो रखा गया है, तो उसके बारे में आर्टिकल उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो वो पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे। इसी के साथ ये जो आर्टिकल है ये मतलब इंटरनेशनल रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें 2-3 पॉइंट हमारे लिए काम के हो जाते हैं, तो हमको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिया और फ्रांस के रिलेशन के बारे में। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है कि जो फ्रांस के प्रधानमंत्री थे उनकी विजिट इंडिया पे हुई थी, तो उसके बारे में काफ़ी अच्छे पॉइंट्स है वो यहाँ पे बताए गए हैं, तो कुछ चैलेंजेस वो भी हम डिस्कस करेंगे और अभी जो अच्छे पॉइंट है वो भी। सबसे पहली बात ये आती है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के गुरुग्राम में है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसमें ये फोकस ये प्रावधान रखा गया है कि भाई 2030 तक 1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट है वो किया जाएगा और इसमें इंडिया और फ्रांस दोनों साथ आ रहे हैं। क्योंकि देखो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो इंडिया और फ्रांस दोनों की मेहनत से बनाया गया था, मतलब इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिलकर से स्टार्ट है वो किया गया था मेनली हेडक्वार्टर इसका इंडिया में। इसके बाद में बात यह आती है कि देखो जो देखा जाए तो इंडिया में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो बनाया जा रहा है जैतरपुर पावर प्लांट, तो उसमें भी एक्चुअली फ्रांस वो हेल्प कर रहा है, फ्रांस काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहा है, इसके साथ टेक्नोलॉजी है वो भी प्रदान कर रहा है। इसके बाद में बात आती है कि क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पे, कि क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पे देखा जाए तो इंडिया और फ्रांस दोनों साथ हैं, दोनों ही क्लाइमेट के प्रति काफ़ी सजग है और दोनों ही क्लाइमेट के जो इश्यूज़ उनको ग्लोबल लेवल पर उठा रहे हैं और उनके सॉल्यूशंस के लिए जो भी स्टेप हैं उनकी तरफ फोकस है वो भी कर रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। इसके साथ ही जो अगला पॉइंट आता है वो आता है पेरिस क्लाइमेट चेंज भी, तो पेरिस क्लाइमेट चेंज में मेनली आर्टिकल के द्वारा यहाँ पे ये बताया गया है कि भाई पेरिस क्लाइमेट चेंज जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि पेरिस क्लाइमेट चेंज के लिए भी गवर्नमेंट वो स्टेप तो उठा रही है, पर देखा जाए तो यूएस से वो तो आपको पता है कि पेरिस क्लाइमेट चेंज से पीछे हट ही गया, तो वो भी एक समस्या ही है। मतलब यहाँ पे राइटरी कह रहे हैं कि देखो यूएस से वो तो पीछे हट गया, तो यूएस से आपको पता है ग्लोबल पावर थी, अब यूएस से अगर पेरिस क्लाइमेट चेंज से पीछे हट रहा है मतलब ये है कि एक तरफ देखा जाए तो इंडिया के पास भी मौका है कि इंडिया भी इस चीज़ को लीड कर सकता है, और देखा जाए तो फ्रांस के पास भी ऐसा मौका है कि वो भी इस मामले को लीड है वो कर सकता है, मतलब दोनों कंट्रीज़ काफ़ी अहम रोल निभा सकती हैं। इसके बाद में बात आती है डिफेंस सेक्टर पे। देखो पहले है वो इंडिया डिफेंस सेक्टर पे डिपेंड था यूएस और रशिया पे, तो मतलब यूएस और रशिया के साथ ही इंडिया वो ज़्यादा ट्रेड वगैरह करता था वेपन्स के मामले में, वहीं से वेपन्स इंपोर्ट करता था, बट अभी देखा जाए तो फ्रांस के साथ इंडिया मेल डील है वो काफ़ी मैक्सिमम कर रहा है क्योंकि फ्रांस वो इंडिया को टेक्नोलॉजी भी प्रदान कर रहा है, तो इस वाले क्षेत्र में भी काफ़ी इंडिया और फ्रांस के रिलेशन काफ़ी इंप्रूव हो रहे हैं। इसके बाद में बात की जाती है इंडिया में इन्वेस्टमेंट की, कि देखो इंडिया वो भी इन्वेस्टमेंट लगातार इंप्रूव कर रहा है, बाकी और कंट्रीज़ हैं वो भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही हैं, तो इंडिया और फ्रांस दोनों ही क्या कर रही हैं इन्वेस्टमेंट को खूब ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही हैं हर एरिया में, जिससे फायदा होगा कि इंडिया है वो अपनी लीडरशिप का जो रोल निभाने की बात है उसमें फायदा होगा। देखो चाइना मेनली क्या करता है, चाइना ये तो करता है ना कि दूसरी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करता है ताकि वहाँ से उसके जो वैल्यू है वो बढ़ाई जा सके और अपने आप को जो दबदबा है वो बढ़ाया जा सके, तो उसी तरीके से इंडिया और फ्रांस वो भी यही कर रहे हैं कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट है वो कर सकें। देखो हमने देखा है किस तरीके से इंडिया है वो
श्रीलंका में भी इन्वेस्ट कर रहा है, बांग्लादेश में भी इन्वेस्ट करता है, इवन अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी इंडिया लगातार इन्वेस्ट हो बढ़ाता जा रहा है। इसके बाद में बात करते हैं कि इंडियन ओशियन में, देखो इंडियन ओशियन में भी जो बायलेटरल कोऑपरेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बेसिकली आपके दिमाग में एक बात ये आएगी कि यार इंडिया है वो तो चलो इंडियन ओशियन के लिए कोई बात नहीं, समझ में आ गया, बट फ्रांस तो वहाँ पर, तो फ्रांस का ऐसे क्या लिंक हुआ? देखो फ्रांस का लिंक ये हुआ कि जो इंडियन ओशियन के अंदर जो आइलैंड है, जैसे कि रियूनियन आइलैंड वगैरह, ये जो लोकेशन है, मतलब छोटे छोटे जो आइलैंड है वो फ्रांस के टेरिटरी के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसीलिए अगर इनके ऊपर आपको पता है कि अगर चाइना का रोल बढ़ता है तो फ्रांस के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए इंडियन ओशियन के अंदर भी देखा जाए तो इंडिया और फ्रांस दोनों मिलकर साथ आ रहे हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे आइलैंड है रियूनियन आइलैंड के पास पास आसपास जो कि फ्रांस टेरिटरी के अंतर्गत ही आते हैं, इसीलिए ये भी काफ़ी अहम हो जाता है। इसके बाद में कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पे डिस्कस किया गया राइटर के द्वारा कि देखो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं वो दोनों के सामने आ रही हैं। तो सबसे पहले इशू जो डिस्कस किया गया वो क्या गया कि चीप एनर्जी का इशू है। देखो इंडिया है सॉरी इंडिया वो सोलर एनर्जी के लिए जो प्रोडक्ट वगैरह है जो इम्पोर्ट करता है मेनली या तो यूएसए से या फ्रांस या बाकी और कंट्रीज से, तो अगर इंडिया कोई भी चीज़ इम्पोर्ट करके फिर उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो वो ऑब्वियसली वो सस्ती नहीं हो सकती क्योंकि उसमें काफ़ी सारा खर्चा हो जाता है। इसके बाद उसको और भी ज़्यादा उसमें एक तरीके से अपग्रेड वगैरह करना होता है तो वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स वो क्रिएट करती है। तो मतलब सस्ती एनर्जी प्रोड्यूस करना और सस्ती एनर्जी जो कंज्यूमर्स उनको प्रोवाइड करना काफ़ी बड़ा चैलेंज है दोनों के लिए। इसके साथ देखा जाए तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात आती है। देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बात ऐसी है कि जो इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं वो काफ़ी सारे कंट्रीज़ की हेल्प से बनाए जा रहे हैं, जैसे कि यूएसए की हेल्प से भी बनाए जा रहे हैं, इवन देखा जाए तो रशिया की हेल्प से भी पावर प्लांट है वो बनाए जा रहे हैं। तो इनमें कई बार कंपटीशन देखा जाता है कि कई बार काफ़ी पॉलिटिक्स वगैरह भी होती है कि देखो फ्रांस की जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छी तो है बट वो हमें काफ़ी महंगा दे रहा है, जबकि यूएसए वो काफ़ी सस्ते में पावर प्लांट बना रहा है, देखा जाए तो रशिया और भी सस्ते में बना रहा है तो हमें वहाँ से इंपोर्ट करना चाहिए। बट फिर काफ़ी तरह मतलब आई तरीके से आर्ग्यूमेंट होते हैं कि भाई फ्रांस से हम क्यों खरीदें जबकि वो महंगा दे रहा है, जैसे कि राफेल डील वगैरह भी काफ़ी बड़ा इशू था। तो मेनली बात हम एक तरीके से डिस्कस कर सकते हैं इस चीज को कि भाई कई बार कंपटीशन के विवाद के अंदर कहीं ना कहीं चीज को क्रिटिसाइज किया जाता है कि फ्रांस के लिए हम फ्रांस है मतलब फ्रांस का जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। इसी के साथ देखा जाए तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है अगर इन केस ऑफ फ्यूचर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है बहुत बड़ा तो उस कंडीशन में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, कौन उसके लिए पैसा वगैरह देगा, कौन उसके लिए फंड प्रोवाइड करेगा, तो इस चीज के बारे में भी काफी ऐसे दिखता है। तो ये यहाँ पे जो पॉइंट है वो डिस्कस किया गया है इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस के बारे में। तो जो कुछ पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस करने की पूरी पूरी कोशिश की है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है यूएसए के बारे में जो कि अभी हम देखते हैं। इसमें मेनली देखो यूएसए नहीं पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर की बात की गई है और इंटरनेशनल जो रिलेशन वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें मेनली ये बताया गया कि देखो यूएसए की जो डिमांड है ना वो आज दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। बात ऐसी कि यूएसए देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज से भी पीछे हट गया है और बाकी जो मुद्दे हैं उनसे भी पीछे हटता जा रहा है। जैसे आपको पता है कि ट्रंप वहाँ से तो कहते हैं कि भाई कोई क्लाइमेट चेंज नहीं होता है, सब फालतू की बातें हैं, सब बेवकूफ़ है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ अपने काम से काम रखो और सब ठीक हो जाएगा, ये केवल नॉर्मल फिनोमेना है, टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग देखा जाएगा। तो जब ट्रंप ऐसी बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लिए काफ़ी चिंताजनक बात आती है। तो मतलब यहाँ पे डायरेक्टरी बता रहे हैं कि देखो यूएसए की डिमांड घटती जा रही है और यूएसए जो ग्लोबल पुलिसमैन का काम कर रहा था वो आजकल धीरे धीरे पीछे होते जा रहा है। तो मतलब बात यह है कि अभी जो पावर है वो एशिया की तरफ ट्रांसफर हो रही है, मतलब अभी जो मौका है वो एशियन कंट्रीज़ के पास आ रही है। देखो एक बार हम थोड़ा मैप से एक चीज़ देखने की कोशिश करते हैं तब आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा जो बेसिक फंडा है। एक सेकेंड, पहले देखो ये सीन ऐसा होता था कि जो पावर थी ना पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल पावर थी वो थी एक्चुअली अटलांटिक वाले ओशन की तरफ, मतलब एक साइड तो हो गया देखो यहाँ पे यूरोप और एक साइड हो गया यहाँ पे अमेरिका, तो इस वाले हिस्से में सारी पावर वो करती थी क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के ये दोनों जो एरियाज़ हैं यूरोप और अमेरिका वाला इस वाले एरिया के बीच में जो पावर थी वो रहती थी सारी। बट आजकल क्या हो रहा है, आपको पता है कि यूरोप है उसमें भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यूरोप भी धीरे धीरे है उसमें भी एक तरीके से यूरोपियन यूनियन से लोग डिवाइड जो कंट्री वो डिवाइड हो रही है, तो वहाँ पर इतनी पावर होनी, और देखा जाए तो ट्रंप वहाँ से वो आपको खुद पता है कि धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं, जो पावर है वो आजकल अटलांटिक ओशन से बजाय यहाँ पे पैसिफिक ओशन की तरफ ट्रांसफर हो रही है। मतलब हम एक चीज़ यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो पावर है वो आज के टाइम पे एशियन जो कंट्रीज हैं उनके पास ट्रांसफर हो रही है। तो राइटर यहाँ पे ये कह रहे हैं देखो कि एशियन जो कंट्रीज हैं इनके पास काफ़ी सुनहरा मौका है। एशियन कंट्रीज़ का देखो मेनली कौन कौन सी बड़ी कंट्रीज हैं, देखा जाए तो रसिया है, चाइना है, इंडिया, यही तो मेन बड़ी कंट्रीज़ हैं। तो मतलब इन कंट्रीज़ के पास मौका है कि वो 21वीं जो सेंचुरी है वो इंडिया पूरे 21वीं सेंचुरी है उसको एशियन सेंचुरी से सही साबित हो कर सकते हैं। क्योंकि देखो अभी काफ़ी बार ने इसके बारे में आर्टिकल भी डिस्कस किया गया है कि जो 21वीं सेंचुरी वो एशियन सेंचुरी होगी, तो उसके बारे में वही बात यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि देखो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है वो बनता है वह सामने नजर आ रहा है। पहले यूएसए की प्रभावशीलता पूरे वर्ल्ड में टूटी बोलती थी बट आजकल ऐसा नहीं है। तो राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो इंडिया को लीडरशिप का मौका मिल रहा है ना अभी, तो उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। इंडिया को ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी छोटी छोटी बातों का इश्यू बनाना चाहिए, इंडिया को अपने अकॉर्डिंग देखना चाहिए कि भाई हमारी डिमांड क्या है और उसके अकॉर्डिंग अपना रास्ता तैयार करके आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि इंडिया दूसरी कंट्री को अब यहाँ पे फॉलो करें, क्योंकि देखो सभी कंट्रीज की अलग अलग डिमांड होती है, तो डिमांड
के अकॉर्डिंग ही रास्ता है वो हमें चूज करना होगा। तो हमारी डिमांड अलग है, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमें अलग तरीके से डेवलपमेंट करना है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग सोचना होगा, ना कि हमें किसी दूसरी कंट्री को फॉलो करना है। जैसे कि हमारे यहाँ पे रोजगार का इश्यू है, तो हमें उस चीज़ पर फोकस करना होगा, तभी इंडिया जो ग्लोबल लीडरशिप बनने की बात आती है उसको कंप्लीट कर सकता है। ऐसे नहीं कि इंडिया किसी दूसरी कंट्री को कॉपी करते हुए आगे बढ़े। इसके बाद में राइटर कह रहे हैं कि देखो इंडिया के पास काफ़ी बड़ी मात्रा में ह्यूमन कैपिटल है, इंडिया को इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा फायदा उठाना चाहिए। इंडिया को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमारे पास तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया को ये सोचना चाहिए कि भाई इतनी सारी पॉपुलेशन है तो क्या हमारे पास इतने सारे वर्कर्स हैं, हम इनका कहीं ना कहीं फायदा उठा सकते हैं। इंडिया को स्किल वगैरह प्रोवाइड करके उस चीज़ का प्रॉपर यूज़ उठाना चाहिए। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर वो लगातार आज के टाइम में बढ़ता जा रहा है, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। इकोनॉमी है वो भी हमारे देश की ऐसी बात नहीं कि बेकार है, ठीक ठाक हमारे देश की इकोनॉमी है, तो वो भी हमारे लिए प्लस पॉइंट है। इसके बाद में बात आती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी, तो देखो आज के टाइम पे हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो भी लगातार बढ़ रही है, और टेक्नोलॉजी है वो भी आप देख सकते हो कि लगातार इंडिया में मतलब कदम है बढ़ाते जा रही है। तो मतलब बात ऐसी है कि देखो कुल मिला के यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि माहौल है वो इंडिया के सूटेबल है, और इंडिया को अभी बाजी वो मार लेनी चाहिए। मतलब अभी इंडिया के अकॉर्डिंग माहौल वो सेट हो चुका है, तो इंडिया को इस क्षेत्र में लगातार आगे काम करना चाहिए। अगर हम काम करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। इसके बाद में बात आती है वन बेल्ट वन रोड की। वन बेल्ट वन रोड का मुद्दा यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि देखो इंडिया को वन बेल्ट वन रोड का जो है ना जो प्रोजेक्ट है इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा वो होने वाला है। और इसके साथ बात ऐसी है कि हमें चाइना को मौका नहीं देना चाहिए। देखो अगर हम वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को ज्वाइन नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या है, बाकी सारी जो और कंट्रीज हैं इसे वो सारी ज्वाइन करें, इंडिया ज्वाइन नहीं करा तो मतलब इंडिया अकेला अलग थक रह जाएगा, तो इंडिया खुद अपने आप पीछे हारने की अब इंडिया खुद अपने आप पीछे रह जाएगा। तो इंडिया को ये करना चाहिए कि भाई जब चाइना इस चीज़ को आगे बढ़ा रहा है तो हम क्यों नहीं इस चीज़ का हमारे अकॉर्डिंग फायदा उठाएं। मतलब इंडिया को अपने अकॉर्डिंग फायदा उठाने की जरूरत है, ना कि इंडिया को चाइना के नज़रिए सोचना है। हमें अपने नज़रिए से देखना चाहिए और हम इस चीज़ का जो फायदा उठा सकते हैं, मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, उस चीज़ पर हमें आगे अग्रसर होना चाहिए। चाइना देखो हमारा दुश्मन है या नहीं है वो एक अलग बात है, बट चाइना काफ़ी प्रोजेक्ट में हमारे साथ भी है। देखा जाए तो ब्रिक्स के अंदर भी चाइना है, इसका देखा जाए तो एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी चाइना हमारे साथ है, एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैंक है उसमें भी आपको पता है कि चाइना हमारे साथ है, और देखा जाए तो RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप है उसमें भी चाइना हमारे साथ है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि चाइना हमारे साथ नहीं, चाइना भी हमें मौका दे रहा है और हमें भी उस चीज़ का फायदा उठाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात वो आती है कि हमें एशियन सेंचुरी बनानी है, इसको 21वीं जो शताब्दी है उसको एशियन सेंचुरी के नाम से अगर घोषित करना है तो हमें इंडिया और चाइना दोनों को साथ आना होगा, तभी हम इस चीज़ को आगे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। देखो आप एक चीज़ देख सकते हो, वो पॉइंट यहाँ पे आर्टिकल में नहीं दिया गया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप यूरोप में देख सकते हो, फ्रांस हुआ, स्पेन और जो बाकी सारी कंट्रीज हैं, इनके आप देख सकते हो कि इनके बाप दादाओं के तो एक दूसरे का मर्डर किया है। मतलब पहले एक दूसरे को देखा था कि किस तरीके से फ्रांस है वो एक्चुअली स्पेन पे अटैक कर रहा था, किस तरीके से स्पेन है वो जर्मनी पे, मतलब आपस में एक दूसरे के बाप दादाओं का इन्होंने खून किया, बट फिर भी आज क्या है सभी एक दूसरे के साथ है। तो क्योंकि आज वो अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग आगे बढ़े, तो इसी तरीके से राइटर ये कह रहे हैं कि देखो इंडिया और चाइना के बीच में इतना बड़ा इशू नहीं है, बॉर्डर का सबसे बड़ा इशू है, तो उस चीज़ को एक बार यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए अगर आगे बढ़ जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, ऑल ओवर फायदा इंडिया और चाइना को ही होने वाला है। क्योंकि अगर दोनों ही कंट्रीज आपस में लड़ती रहेंगी तो जो एशियन सेंचुरी की जो बात है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी। इसके बाद में वो बात आती है कि US हैं वो तो आजकल आपको पता है काफ़ी हरामी वाले काम कर रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज से भी पीछे हट रहा है, WTO को भी क्रिटिसाइज कर रहा है, और उसके बाद देखा जाए तो जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है उससे भी पीछे हट गए, और UN को भी क्रिटिसाइज वो कर रहे हैं। तो मतलब देखा जाए तो बात है कि US है वो तो खुद अपने आप की वैल्यू गिरा रहा है, तो इस चीज़ का अगर वो US से अपनी वैल्यू गिरा रहा है तो इंडिया और चाइना को अपनी इस चीज़ का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और मतलब यहाँ पर फिर कहा जा रहा है कि दिल्ली और बीजिंग, मतलब वही बात है कि इंडिया और चाइना दोनों को आगे मिल के आना चाहिए और एशियन सेंचुरी का जो काम है वो करना चाहिए। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्वाड ग्रुप के बारे में कि भाई जो क्वाड ग्रुप है इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान है, वो काफ़ी अच्छा ग्रुप है नो डाउट, बट उस चीज़ का भी हमें फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि उस चीज़ का फायदा हम इस तरीके से उठा सकते हैं कि भाई हम US के साथ भी काम कर सकते हैं, और बाकी देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और कंट्रीज के भी साथ, और इवन हमें चाइना को भी नाराज नहीं करना, तो हमें चाइना के साथ भी जो हमारे इंटरेस्ट है उनको सबको हमें ध्यान में रखना होगा। ये था कंप्लीट आर्टिकल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में, हमारे देश के बारे में। तो देखते हैं इस आर्टिकल में क्या डिस्कस किया गया है। देखो इस आर्टिकल में सबसे पहले ये बात की गई है कि हमारे देश के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, मतलब मेनली प्राइवेट स्कूल की बात की गई है, गवर्नमेंट में तो फीस वगैरह लिमिटेड होती है आपको पता है। ये कहा गया कि भाई जो प्राइवेट स्कूल है वो अपनी मनमर्जी करती हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो स्कूल में फॉलो नहीं किया जाता है, जैसे कि हमने रिहान स्कूल के बारे में आर्टिकल भी डिस्कस किया था। और उसके बाद में बात आती है क्वालिटी की, तो क्वालिटी के नाम पे होता है जीरो, मतलब जितनी फीस बढ़ाते हैं उसके अकॉर्डिंग स्कूल में बच्चों को आउटकम वो नहीं मिल पाता है, सेफ्टी स्टैंडर्ड रहता नहीं है, अलग अलग तरह की फीस है वो ले लेते हैं, जैसे कि कई बार ट्रांसपोर्ट फीस के नाम से फीस ले लेते हैं, लाइब्रेरी के नाम से फीस लेते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम पर फीस ले लेते हैं, स्पोर्ट्स के नाम पर फीस ले लेते हैं। मतलब देखो आप एक उनमें से एक बात आप सोच सकते हो अपने दिमाग से, अगर कोई भी बच्चा स्कूल जा रहा है तो ऑब्वियसली उसको स्कूल जाना है तो बस वगैरह की जरूरत होगी होगी, ट्रांसपोर्ट चाहिए, लाइब्रेरी तो उसकी बेसिक नीड है तो वो भी चाहिए। तो ऐसा थोड़ी कि सारी चीज़ें अलग हैं, ये सारी चीज़ें एक ही साथ तो नहीं, तो सब बेसिक नीड है तो फिर अलग अलग तरीके से फीस क्यों। फिर राइटर ये कह रहे हैं कि देखो सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे देश में अभी तक
कोई रेगुलेशन नहीं है, इस चीज़ के लिए कोई प्रॉपर एक्ट वगैरह कुछ नहीं है, इसीलिए जो प्राइवेट स्कूल है ना ये अलग अलग तरह की फीस ले लेती है। तो मतलब इतने से घुमा फिरा के इनका मेन मोटिव ये रहता है कि भाई ज़्यादा ज़्यादा फीस है वो हम ले सकें। और फिर यहाँ पे देखो बात ये आती है कि मैक्सिमम जो इंडिया के स्कूल जो इंस्टीट्यूट हैं प्राइवेट वाले वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी न किसी पॉलिटिशियन से रिलेटेड होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर जो थोड़ी बहुत जो पॉलिसीज होती हैं वो भी काम नहीं कर पाती, क्योंकि पॉलिटिशियन अपने अकॉर्डिंग मनमर्जी वो करते रहते हैं, अपनी धांस है वो जमाते रहते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो खुली लूट मचा रखी है, और सबसे बड़ा चैलेंज है तो पॉलिटिकल चैलेंज यहाँ पे वो भी सामने बनके उभर आ रहा है। इसके बाद में हम और तरीके के देख सकते हैं कि किस तरीके से प्राइवेट स्कूलों मनमर्जी कर रहे हैं। देखो जब जब पेरेंट्स बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाने लेके जाते हैं तब तो कहते हैं कि जी हम स्कूल में सारा काम वो करवा देंगे ये हुआ है, बट उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद वो इस तरीके से माहौल क्रिएट करते हैं कि नहीं जी आपको ये सिलेबस कंप्लीट कराना है तो बच्चों को आप होम ट्यूशन दिलवा दीजिए ताकि आपका बच्चा हो जाए ये कर सके वो कर सके। मतलब घुमा फिरा के क्या कि होम ट्यूशन के नाम पर एक जो खुली लूट है वो और मचा रखी है, इससे बच्चों के ऊपर बर्डन भी बढ़ता है। और यहाँ पर फिर राइटर ये कह रहे हैं कि देखो ये सबसे बड़ी रीज़न इसके पीछे यही है कि इसमें काफ़ी कुछ असंदिग्धता है, मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो पॉलिसीज वगैरह हैं वो क्लियर नहीं कर रखी हैं, इसकी वजह से जो प्राइवेट स्कूल है वो अपनी मनमर्जी करें। फिर यहाँ पे एक बात डिस्कस की जाती है वो तमिलनाडु और कर्नाटक के बारे में, वो ये कहा जाता है कि भाई तमिलनाडु में जो फीस इंक्रीज करने के लिए क्या कर रखा है, वहाँ की गवर्नमेंट ने कमेटी बना रखी है, मतलब एक पैनल बना रखा है, वो पैनल ही डिसाइड करता है कि भाई कितनी फीस वगैरह बढ़ा सकते हैं, तो वो वहाँ पे रेगुलेशन है। तो उसी तरीके से कर्नाटक ने भी लिमिट लगा रखी है कि भाई एक बार फीस इतनी है उससे ज़्यादा फीस आप नहीं बढ़ा सकते। तो यहाँ पर राइटर मैन ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से तमिलनाडु और कर्नाटक ने फीस के ऊपर जो लिमिट लगा रखी है उस चीज़ का फायदा हमें उठाना होगा, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट यहाँ पे आता है। इसके बाद में बात आती है केक रिपोर्ट की, कि देखो केक की रिपोर्ट क्या कहते हैं, केक की रिपोर्ट में मेनली ये कहा गया है कि भाई जो स्कूल के बच्चों का जो आउटकम है ना वो तो बहुत कम है देखा जाए तो, मतलब जितनी फीस ले रहे हैं ना बच्चों की उस फीस के अकॉर्डिंग आउटकम बहुत कम है देखा जाए तो, टीचर्स को पे है वो भी बहुत कम किया जाता है। इवन ये बात तो मैंने मेरे स्कूल में भी देखी थी कि जो मेरे स्कूल के टीचर्स थे उनकी जितनी जो पे होती थी जितनी सैलरी होती थी उनसे कम उनको सैलरी दी जाती थी, क्योंकि उनको काफ़ी वगैरह हम लेते थे हरासमेंट वगैरह का एक काम काफ़ी जगह होता है इवन स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल में मतलब जितनी सैलरी देनी होती है उसे बहुत कम सैलरी देते हैं, एक्स्ट्रा काम उनसे करवाते हैं, फैसिलिटी उनको दी नहीं जाती, जीरो फैसिलिटी उनको मिलती है, तो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। इसके बाद बात ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव भी दिया था बट अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो यहाँ पे राइटर सबसे बड़ा लास्ट में जो कंक्लूजन में ये पॉइंट उठा रहे हैं कि देखो हमें मॉनिटरिंग और जो अकाउंटेबिलिटी है वो दोनों सुनिश्चित करनी होंगी तभी हम इस चीज़ पे लगाम है वो लगा सकते हैं, नकेला वो कर सकते हैं। और इसके साथ सबसे जरूरी काम है वो है पॉलिटिकल विल, जब तक हम पॉलिटिकल विल नहीं लेके आएंगे तब तक इस चीज़ का समाधान नहीं हो सकता, तो इस चीज़ पर भी हमें फोकस है वो करना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो राजस्थान और जो मध्य प्रदेश के द्वारा मृत्युदंड की सजा का प्रावधान रखा गया है रेप केस में, उसके बारे में ये आर्टिकल यहाँ पे कुछ पॉइंट है वो उठा रहे हैं, तो उन सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे उठाए गए। देखो राइटर है सबसे पहले इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, केस क्या वो हमने देख लिया था, इसके बारे में आर्टिकल पहले डिस्कस भी किया है कि अगर किसी भी 12 साल से कम एज की बच्चे के साथ कोई भी रेप वगैरह होता है तो उसको मृत्युदंड या फिर उसको डेथ पेनल्टी आ गया यहाँ पे, या फिर उसको जो उम्र कैद है उसकी सजा का प्रावधान रखा गया। इसके बाद में बात आती है कि देखो एक प्रावधान ये रखा गया है कि अगर कोई भी लड़की के साथ अगर गैंग रेप होता है 12 साल से कम तो उसमें जो अपराधी है जो क्रिमिनल है उसको कम से कम 20 साल की सजा होगी एट एनी कॉस्ट, ये सारे प्रावधान रखे गए। बट राइटर ये कह रहे हैं कि देखो भाई ये सब मतलब ये इस चीज़ से कोई इतना फायदा नहीं होने वाला, क्यों नहीं होने वाला है, इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहली बात आती है यूएसए की एक स्टडी है, यूएसए का एक तरीके से शोध है उसके बारे में, यूएसए की एक स्टडी में ये चीज सामने आई कि भाई आपसे कितना भी डिटरेंस क्रिएट कर दो इससे कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो मेंटली इतने एक्चुअली उनकी मेंटली हालत इतनी खराब हो गई होती है कि उनको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपके उनके ऊपर कितना ही मारो कूटो चाहे उनको ठोकना पीटना जो कुछ कर लो, वो रेप करें तो लगातार करते रहते हैं, उनका मतलब उस चीज़ पर कोई लगाम वो लगती नहीं है, तो एक तरीके से भय से काम है वो नहीं होने वाला है। इसके बाद में एक दो रिपोर्ट और हैं बहुत सारी, उन रिपोर्ट से भी ये चीज़ सामने आई कि बच्चे को थोड़ी जस्टिस मिलेगा, क्योंकि देखो मैक्सिमली केसेज में एक चीज़ सामने आती है, आपने ये इवन न्यूज़पेपर वगैरह में ये चीज़ देखी होगी कि जो भी रेप के आरोपी होते हैं ना या तो उनके पड़ोसी होते हैं या फिर रिलेटिव में ही कोई होता है, चाहे कजन होता है चाहे मामा चाहे कोई भी होता है, मतलब मैक्सिमली केसेज में ये होता है रिलेटिव मकान मालिक किराएदार ऐसे केसेज ही सामने आते हैं। तो यहाँ पर राइटर ये कहते हैं कि एक लिमिट के बाद आप मृत्युदंड वाली बात करते हो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि कई बार मैक्सिमम मामलों में घर का ही सदस्य वही आरोपी होता है, तो ऐसे में आप किस तरीके से उनको मृत्युदंड वगैरह का प्रावधान है वो कर सकते हो। इसी के साथ बात आती है कि मामला काफ़ी संवेदनशील होता है, इसलिए कई बार घर का मामला देखते हुए लोग उस चीज़ को सामने भी नहीं लेके आ पाते, तो इसकी वजह से भी क्या बच्ची को ना मिल जाएगा न्याय नहीं मिलेगा, तो वही बात यहाँ पे डिस्कस की जा रही है कि देखो आपने प्रावधान तो बना दिया कि मृत्युदंड मिलेगा, बट कई बार हो सकता है कि कजन भाई हो अगर उसने रेप किया हो तो ऐसे केस में क्या उसको मृत्युदंड दिया जाएगा, क्योंकि ओबियसली घर का सदस्य होते हुए उसको इस चीज़ से दरकिनार रखा जाएगा। इसके बाद में बात आती है
जैसे मैंने भी बताया कि जो लोग रेप वगैरह करते हैं कई बार उनकी मेंटल हालत है वो ठीक नहीं होती। मेंटल हालत ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि उनमें क्या कि इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं बचती है। तो ऐसे लोगों को आपसे कितना ही मारो पीटो या जेल में पटक दो उसका कोई सोल्यूशन है वो नहीं होने वाला है। इसके बाद में जो राइटर वो ये बता रहे हैं कि देखो सबसे बड़ी बात है हमें क्या स्टेप उठाना है। वो राइटर यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमें हमारी सोसाइटी इसको एजुकेटेड करना होगा और इसके साथ हमारी एजुकेशन की जो क्वालिटी है ना इसके ऊपर हमें आगे एक तरीके से आगे स्टेप उठाने होंगे। इसके साथ ही हमें अवेयरनेस वो भी बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक इस चीज़ के बारे में प्रॉपर सॉल्यूशंस है वो नहीं उठाने वाले। तो हमें एक तो अवेयरनेस है वो सुनिश्चित करनी होगी और लास्ट में देखा जाए तो वो बात ही है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई प्रॉपर स्टेप नहीं उठाए तो लास्ट में हालात ये हो जाएंगे कि और कागजी कार्रवाई वो रह जाएगी। मतलब देखो जिस तरीके से कानून तो हमेशा आपको पता है हर चीज़ के लिए बनते हैं हमारे देश में बट होता क्या है वो इंप्लीमेंट नहीं होते तो कागजी कार्रवाई रह जाते हैं। तो राइटर ये कहते हैं कि अवेयरनेस के साथ साथ हमें लोगों को गाइड करना होगा उन्हें समझाना होगा इवन पेरेंट्स और बच्चों वगैरह को सबको समझाना होगा कि भाई आपके साथ कोई भी छोटी मोटी भी अगर आपके साथ कोई हरकत कर रहा है तो आप उनको बताइए बेझिझक और उसके अकॉर्डिंग ही फिर एक्शन वो लेना चाहिए क्योंकि हमें छोटी छोटी बातों को नेगलेक्ट नहीं करना है तभी इस चीज़ों का समाधान हम ले सकते हैं। तो ये था जो कंप्लीट आर्टिकल जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।